अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो स्किन केयर से रिलेटेड है, स्किन एक क्रीम के बारे में जो कि पाकिस्तान में इजीली किसी भी फार्मेसी से आप बाय कर सकते हैं। ये एक ट्रेटिनोइन बेस्ड क्रीम है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए है जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्होंने कभी भी रेटिनॉल या ट्रेटिनोइन यूज़ नहीं किया, तो ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से रेटिनॉल जो 29 को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम 29 को यूज़ करने की बात करें तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.05, 0.025 और 0.01, इस तरह आगे कॉन्सेंट्रेशन इसकी बढ़ती रहती है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल कभी भी कोई रेटिनॉल या 29 यूज़ नहीं किया, वो इसकी 0.025 से स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके फेस पर एक्नी हैं, जिनके फेस पर पिगमेंटेशन है, इस तरीके के तमाम प्रॉब्लम, फाइन लाइंस, तमाम प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकती है अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करें तो। ये आपकी स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, जैसे कि फाइन लाइंस, एक्नी मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और आपके स्कार्स जो होते हैं, सब प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकती है। लेकिन इसको तरीका है यूज़ करने का, अगर सही तरीके से यूज़ करें तभी आपको इफ़ेक्टिव इसका रिज़ल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ आपको इसके बिल्कुल बेकार रिज़ल्ट मिल सकते हैं और आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत ही अच्छे और बहुत ही विजिबल रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन इसके रिज़ल्ट जो हैं थोड़ा आपको देर से मिलते हैं, कम से कम भी आप 3 से 4 महीने इसको यूज़ करेंगे तब जाके आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके साथ आपको स्किन पर्जिंग होगी, स्किन रेडनेस होगी, स्किन पर आपके इरिटेशन हो सकती है, स्किन ड्राइनेस हो सकती है। ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं आपको स्किन क्रीम के साथ हो सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि स्किन क्रीम के साथ जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पर्जिंग में आती हैं। पर्जिंग क्या होती है, इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। स्टार्टिंग में आप इसकी 0.025 की कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन आप उसको वीक में बस 2 टाइम यूज़ करेंगे। पहले हफ्ते में आप वीक में 2 टाइम यूज़ करेंगे, दूसरे हफ्ते में आप 3 टाइम और तीसरे हफ्ते में आप इसको वीक में 3 टाइम टू 4 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करेंगे और इसकी क्वांटिटी जो है ये आपने बिल्कुल मटर के दाने के बराबर लेनी है और इसको मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करना है। पहले आपने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, 10 मिनट का वेट करना है, उसके बाद आपने इसका मटर के दाने के बराबर इसकी क्वांटिटी लेके आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है। इसके बाद सनस्क्रीन जो है वो मस्ट है। आप डे में सुबह फेस वॉश करके अच्छी कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन मस्ट है। जो लोग बाहर धूप में ज़्यादा देर काम करते हैं उन लोगों के लिए ये इस क्रीम के लिए बिल्कुल नो है, वो इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। अगर इस क्रीम के साथ वो धूप में जाएंगे तो उनकी स्किन जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, मतलब जो फीड करवाती हैं अपने बेबीज़ को, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वो इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके बेबी के लिए हार्मफुल हो सकती है। बाकी इस क्रीम को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करें, ग्रेजुअली इसको लेकर चलें। इसके साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन AHA और BHAs आप इसके साथ नहीं यूज़ कर सकते। इसके साथ आप विटामिन सी यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी एक्टिव बेस इंग्रेडिएंट आप इसके साथ यूज़ नहीं करेंगे। इसके साथ आप नायासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम प्रोसीजर जो है आप ग्रेजुअली लेकर चलेंगे। स्टार्टिंग में आप इसको ड्राई फेस पर, जब आपका फेस, आपको मेक श्योर कर लें कि 100% आपका फेस ड्राई है, तब आपने इसकी एक थोड़ी सी क्वांटिटी अपने फेस पर अप्लाई करनी है। और बस उसके बाद आपने, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको सैंडविच मेथड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मीन कि आप पहले क्रीम अप्लाई करें मॉइस्चराइज़र, उसके बाद फिर आप ये वाली स्किन एक क्रीम अप्लाई करें, उसके बाद अगेन आप 10 मिनट का वेट करें और 10 मिनट के बाद एक बारीक सी लेयर जो है अपनी स्किन पर अप्लाई करें मॉइस्चराइज़र की। लेकिन इसको आपने बहुत आराम से यूज़ करना है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन केयर में ऐड करना है। इसके बाद आपकी स्किन पर एक्नी होंगे, पर्जिंग होगी, रेडनेस होगी, बारीक बारीक दाने होंगे, क्योंकि ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब स्किन के बाहर आ जाएंगे और आपकी स्किन जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली तकरीबन 3 से 4 मंथ लगेंगे आपकी स्किन जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगी। और जिनकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, जो पिगमेंटेशन के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, वो इस क्रीम को तकरीबन 6 से 7 महीने यूज़ करेंगे, तब जाके उनको इसके जो है विजिबल रिज़ल्ट जो है वो मिलेंगे। इसके रिज़ल्ट जो हैं आपको मिलेंगे ज़रूर, लेकिन आपने स्टॉप नहीं करनी, कंसिस्टेंसी के साथ यूज़ करें। ये नहीं कहना कि आपकी स्किन पर एक्नी आ गए, स्किन रफ़ हो गई है, वो सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हैं इस क्रीम के साथ। ये तकरीबन सबको ही होंगी, 99% लोगों को इसके साथ पर्जिंग होती है।
लेकिन फिर भी आपने इसको यूज़ करने से पहले अपने डर्मेट से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि आपकी स्किन पर ये किस तरह रिएक्ट करेगी। अगर आपको कोई स्किन के बहुत सीवियर इशू हैं तो आप इसको इस तरीके से स्टार्ट नहीं करें, पहले आप अपने डर्मेट से कंसल्ट करें। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, मतलब मीन कोई आपकी स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, ओनली एक्ने है या पिगमेंटेशन है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुअली अगर आपको बहुत सीवियर किस्म के कोई आपको एक्नीज हो रहे हैं या आपकी स्किन पर इरिटेशन हो रही है तो आप फिर अपने डर्मेट से इसको कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसके साथ पर्जिंग तो मस्ट है, उससे आपने घबराना नहीं है कि रेडनेस हो गई है, इरिटेशन हो रही है या फिर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा दाने हो गए हैं, वो इसके साथ नॉर्मल है, वो तो आपको इसके साथ होंगे, लेकिन वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, कॉमन है, वो सबके साथ होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ये नहीं होता। मज़ीद अगर कोई बात रह गई हो, आपके माइंड में कोई भी 39 को लेके क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।